नमस्कार, जागो जुबन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया गया और तमाम स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी किया। तो आइए बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले जानना चाहूँगी आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया गया, क्यों किया गया और इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मैम, एक तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करती है। तो आज जैसे कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, 8 मई को होता है, तो एक तरह से जिसने फर्स्ट टाइम जैसे जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो पहली बार जो परफॉर्मेंस हुई उसको एक तरह का ट्रिब्यूट है। एक तरह की हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को एक रिस्पेक्ट दी है, जो जिस हिसाब से वो इतने लोगों की हेल्प करते हैं, इतने ज़रूरतमंद लोगों को कुछ कोई ना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कोविड के टाइम भी कुछ अर्थक्वेक्स कुछ भी नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो इतना हेल्प करते हैं, तो एक तरह से हमने उनको एक रिस्पेक्ट दी है। आप क्या कहना चाहोगे? मैम, जैसे कि इनिशिएटिव है, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। यूजुअली देखा जाता है कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लग जाते हैं, वॉट एवर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं रोड पर, तो लोगों का पहले प्रायोरिटी क्या रहती है कि हम पहले वीडियोज़ बना लें, स्नैपचैट स्ट्रीक्स बना लें, वीडियोज़ शूट कर लें, ये चीज़ें उनकी रहती हैं। बट एक ह्यूमैनिटी है, हमें देखना चाहिए कि उसकी हेल्प करें आगे जाके, ना कि वीडियो शूट करें, सोशल मीडिया पर वायरल करें कि ये हो गया ऐसे हो गया। उससे बेटर है कि आप अपने फ़ोन्स को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखो और आगे आके उनकी हेल्प करो। बस ये बोलूँ। बहुत बढ़िया मैसेज जो है बच्चों ने दिया, और आपने देखा किस तरह से तमाम स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया और आज जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है उसको सेलिब्रेट किया, और बच्चों ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज कितना अच्छा है। एंड में क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैम, यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि रेड क्रॉस पर कितना हेल्प किया, तो मैम तो मेरा यही मैसेज रहेगा जैसे हेल्प करेंगे हम किसी की, कोई रोड पे गिर गया तो मतलब ये नहीं है कि हम पहले वीडियोस बनाएं या शूट करें उसके लिए, तो आप पहले उसकी हेल्प करो, अच्छे से उसको पूछो, जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया। बच्चे, आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से रेड क्रॉस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें ये भी सिखाया जाता है अगर इनकेस राह चलते अगर किसी को अटैक हो जाता है उसको कैसे सेव किया जाता है? जैसे कि हमारे कॉलेज में आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि CPR वगैरह कैसे देते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है तब देते हैं और किस टाइम पे उन्हें देना चाहिए और किस टाइम पे नहीं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर रैंडमली हम कहीं जा रहे हैं तो किसी को कुछ हो जाए तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, और इतना हमें ये कैपेबल बना रहे हैं कि हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो बी अ वॉलंटियर फॉर दैट, कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है तो बी अ वॉलंटियर कि आप उनकी हेल्प करो, ना कि ऐसे। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा यहाँ पे तमाम स्कूल के बच्चे हैं, कार्यक्रम के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया है। तो बच्चे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, यही है कि मतलब जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रीक्स बनाने से बेटर है उसको आप ले जाओ, उसकी पहले चेक करो कि वो कैसा है, ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा इंजर्ड हुआ है तो मतलब कि अगर पास में कोई डिस्पेंसरी है वहाँ ले जाओ, अगर हॉस्पिटल है वहाँ ले जाओ, रेदर देन स्ट्रीक्स बनाओ, वीडियोज़ बनाओ। यस, आपका क्या कहना है और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए ये तो आपको भी पता है, मगर कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को सेलिब्रेट करने की, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप कैसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार। All the students and teachers.